हम लोग इस पीसी के माध्यम से आप लोग को बताना चाह रहे थे कि हम लोग अपनी चुनावी जो तैयारी है उसमें हम लोग अपने बढ़ने वाले हैं। हम अपने उस अपने चुनाव को शुरुआती करने वाले हैं, अपना जो जनसंपर्क अभियान हो चाहे चुनाव में और जो स्ट्रेटेजी बनते हैं उन चीज़ों को लेकर, इसीलिए तमाम दल के लोग हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। क्या तैयारी होगी आगे की? तैयारी यहाँ की जनता पहले से तैयार है और जनता ने स्पष्ट रूप से माना है कि इस बार हजारीबाग में बीजेपी नहीं, बीजेपी के जगह जेपी होना चाहिए। एक सवाल आपसे है, हमने तो कहा कि हजारीबाग के जो स्थानीय जन समस्याएं हैं उसको मैं पहली प्राथमिकता में लूंगा, चाहे वह कोयलांचल का हो, चाहे सिंचाई की योजना यहाँ पर लाना पड़े, चाहे बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो। देखिए विपक्षी भी जो है यही कर रही है कि हम भी जो है इसी सब मुद्दे पर इस चुनावी मैदान में आए हुए, आप लोगों का क्या कुछ खास हो? देखिए हर आदमी का अपना अपना चुनावी मुद्दा है, पार्टी हो, सीपीएम हो, राजद हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, सभी पार्टी के जो लीडरान है इस जिले में, रामगढ़ जिले में जो नेतृत्व करता है, हमारे सनातन जी भी यहाँ बैठे हैं बड़े भाई, तो सभी लोग हम लोग एकजुट हैं और सबका लक्ष्य है कि हजारीबाग लोकसभा में इस बार परिवर्तन का, वह परिवर्तन है कि बहुत समय तक भारतीय जनता पार्टी के सांसद यहाँ बनते रहे और हमें जो इंडिया गठबंधन और पूर्व में यूपीए महागठबंधन के विभाजन रहने के कारण, एक नहीं रहने के कारण, जिसका सीधा फायदा हमारे विपक्षी भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा, लेकिन इस बार का ही समीकरण पूरे हजारीबाग लोकसभा को हम देखें तो हम हर समीकरण में, चाहे वोटों में हो, चाहे जातीय समीकरण में हो, चाहे सभी वर्गों का समर्थन हो, चाहे वह व्यापारी वर्ग हो, चाहे शिक्षा जगत के लोग हो, अधिवक्ता लोग हो, युवा लोग हो, महिला लोग हो, सभी किसान लोग, सभी लोगों का समर्थन आज हम लोग के साथ है। और मैं चाहूंगा कि कुछ बोलने से पहले आप सब भी, मुझे लगता है कि आज झारखंड आंदोलन में आप लोग ने अपने कागज कलम के मजबूती के साथ, अपने लेखनी के साथ झारखंड आंदोलन को भी आपने एक अपना ये दिया जो आज अलग राज मिला, क्योंकि झारखंड अलग राज का नेतृत्व करता भी हमारे पिताजी इस एरिया में रहे थे उत्तरी छोटा नागपुर का, और आप लोगों ने भी उनका भरपूर समर्थन दिया और अलग राज में कराने में आप सबों का भी समर्थन रहा, क्योंकि आप संदेश नहीं पहुंचाते, आपका कलम नहीं चलता तो अलग राज नहीं मिलता। लेकिन आज राज के साथ देश का जो हालात है वह किसी से छिपा नहीं है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, दिन प्रतिदिन लोकतंत्र की हत्या हो रही है, चुनी हुई सरकार को हटाया जा रहा है और जो जनप्रतिनिधि जो काम करना चाह रहे हैं, चाहे वो सिर्फ विपक्षी नहीं, भाजपा में भी कई ऐसे ऐसे लीडर हैं जो कुछ करना चाहते हैं उसको भी दबाया जाता है कि किसी से छिपा नहीं। इसलिए आज जरूरत है कि सिर्फ हजारीबाग लोकसभा सीट जीतना मकसद हम लोग का नहीं है, हम लोग का मकसद है लोकतंत्र को बचाना। आज आप देखे होंगे इलेक्ट्रॉन बोर्ड के माध्यम से कितना बड़ा स्कैम ये निकला, किसी से छिपा नहीं है, बोर्ड के माध्यम से चंदा लेने का ये जो अवैध तरीका, धंधा लेने का ये अवैध तरीका, और हम लोग तो झारखंड के हैं, पूरे झारखंड में जिस तरह से खनिज संपदा भरा हुआ है, गिद्ध दृष्टि से नजर लगाए हुए, ये 5 साल जब यहाँ झारखंड में सरकार एनडीए गठबंधन की नहीं बनी, तब से ये चुनी हुई जो लोकप्रिय सरकार है उसको कैसे
हम सत्ता से बाहर करें। और आपने देखा होगा जिस तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्रियों को जो हर्ष सोरेनों ने किस तरह से फंसाने का काम किया, लेकिन झारखंड की जनता बहुत सोच समझ के निर्णय लेती है। ये सारे बिंदुओं को लोग देख रहे, सारे इशू को देख रहे। निश्चित रूप से हजारीबाग लोकसभा के परिपेक्ष में मैं करता हूँ कि हजारीबाग में जो समीकरण है, जो माहौल है, और जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी का सांसद यहाँ की जनता ने चुना, बदले में जितना विकास होना चाहिए था, जो समुचित विकास इस हजारीबाग का होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। सिर्फ कभी रेल का वादा किया जाता था, कभी हवाई अड्डा का किया जाता था, कभी कुछ का किया जाता था। और झारखंड में हजारीबाग जिले में अगर हम देखें लोकसभा में, तो हमारे जो रामगढ़ बड़का गांव मांडू में जो भारत सरकार के जो संचालित कंपनियां हैं, जो इकाइयां हैं, चाहे वह डीपीसी हो, स्टील हो, चाहे कोल सेक्टर में हम सीसीएल की बात करें, हमारे लोगों के हजारों जमीन, यहाँ के मूल रेतों को छीना गया, बदले में नौकरी लेने के नाम से ठगा गया और नौकरी भी नहीं मिला। और लोग जब आंदोलन कर रहे हैं, चाहे उसमें कई तरह के आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं, वहां भी लोग, हमारे युवा पढ़े लिखे लोग नौकरी लेने जाते हैं, अपना मांग करते हैं, तो उसको झूठा मुकदमा फंसाया जाता है।